देखिए जीरा राइस कितने अच्छे और फूले फूले और खिले खिले बने हैं, एकदम मतलब अलग अलग टुकड़ा दिख रहा है अलग अलग। और यहाँ पर दाल फ्राई देखिए, इसका कलर कितना लाजवाब आया है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, आप देख सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ जीरा राइस विद दाल फ्राई। तो यहाँ दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम दाल चने की, इसे मैंने आधा घंटा भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ मैं कुकर लूँगी, उसके अंदर मैंने दाल धोकर अच्छे से इसमें डाल दी है, सारा पानी निकाल दिया है। अब इसमें मैं 2 ग्लास पानी लूँगी और इसके अंदर मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जिससे जो तेल मतलब पानी है ना दाल का वो ऊपर नहीं आएगा कुकर के, नहीं तो वो सब जगह फैल जाता है कई बार। और इसमें मैं थोड़ा सा उबाल आने दूंगी और इसको अब मैं कुकर को ढक्कन लगाकर बंद कर दूंगी और 6 से 7 सीटियां लूंगी। अगर आपने दाल पहले नहीं भिगोई है, इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 10 से 12 सीटियां लगानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर आधा घंटा भिगो ली, तो इसे मैं 5 से 6 या 6 से 7 लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है और कुछ लहसुन की कलियाँ ली थी, उन्हें मैंने चॉप सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो कुकर की सीटियाँ आ चुकी हैं, अब मैं इसकी हवा निकाल कर इसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लूँगी। तो मैं दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पैन लिया है, अच्छे से गरम कर लूँगी, थोड़ा पैन गरम होना चाहिए। और मैं यहाँ पर घी और रिफाइंड ऑयल दोनों का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून घी लिया था और एक थोड़ा बड़ा टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें मैंने जीरा और राई दोनों ऐड कर दिया है और लाल सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता ऐड किया और इन्हें मैं अच्छे से हिला दूंगी। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी जो फाइनली चॉप थे, और इसके बाद मैं इसे अच्छे से चलाती रहूंगी। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने के लिए मैं रख दूंगी, इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक रखेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन, और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। तो देखिए प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, जिससे उसका कच्चापन निकल जाए, और इन्हें थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से सौते कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम टमाटर डालने के बाद नमक मैं हमेशा इसमें ऐड करती हूँ जल्दी से, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाए, नहीं तो टमाटर को गलने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए ऑयल रिलीज़ हो चुका है, टमाटर भी गल चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और इन्हें मैं अच्छे से चला लूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चलाऊंगी, ताकि जो मसाले हैं वो नीचे चिपके नहीं, क्योंकि मिर्ची बहुत जल्दी चिपकती है नीचे से और जल जाती है वो, उसकी जो स्मेल आती है वो अच्छी भी नहीं लगती है खाने में, जला जला टेस्ट आता है। तो हम इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे। तो देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया। अब जो दाल थी उसे मैंने अच्छे से हल्का सा मैश करके अब इसमें डाल दिया है, ये देखिए, और इसे अच्छे से मैं चला लूँगी। और हमें एक साथ इसमें पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। देखिए दाल में एक उबाल आ चुका है, इसे मैं ढककर कम से कम 7 से 8 मिनट पकाऊंगी। और यहाँ मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच मैंने अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। अमचूर पाउडर से मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है खाने
खाने का। तो दाल में मैं ऐड करती हूँ इससे, जिससे वो जो ढाबा स्टाइल दाल होती है ना, वो प्रॉपर टेस्ट आता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, और ये देखने में भी बहुत टेस्टी है। मतलब जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे ना, तो आप झटपट से दाल बनाकर खा सकते हैं। और इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बस आप बनाइए और खाइए। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने चावल लिए थे, उन्हें मैंने भिगोकर रख दिया था और इन्हें अच्छे से धो लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो पैन में मैं एक चम्मच घी डालूंगी, और फिर मैं जीरा ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और जीरे को अच्छे से गरम कर लूंगी। देखिए जीरा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें लौंग डाल दूंगी, जो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, और चावल डालकर इसको मैं हल्का सा चला दूंगी। ज़्यादा देर नहीं चलाना है, बस हल्का सा चलाना है कि जो चावल है ना वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए, मतलब हल्का सा सोते हो जाए। और इसमें मैं, मतलब अभी मैंने एक ही गिलास पानी डाला है, दो गिलास पानी डालकर इसे मैं अच्छे से चला दूंगी। और एक छोटी चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। जीरा राइस बनाने बहुत इजी है, आप दाल फ्राई और जीरा राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें उबाल आ चुका है, हम घी में फ्राई करके बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल फुले फुले खिले खिले बनते हैं। तो इसे मैं ढककर पकाऊंगी 4 से 5 मिनट, और इसे एक बार मैं वापस से चलाकर देखूंगी। देखिए हल्के हल्के पकने स्टार्ट हो गए हैं, और मैं थोड़ा चलाकर देख लूंगी। ये देखिए पानी भी उड़ गया है, अब मैं इसे खुले में ही चलाऊंगी थोड़ा, और बीच में से चेक करते रहेंगे। ये देखिए चावल एकदम फूल गए हैं और खिले खिले बने हैं। बिल्कुल जैसे शादियों में जो चावल होते हैं ना, सेम वैसा ही बना है, एकदम खिले खिले फूले हुए चावल बने हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।